इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो परिणाम अंकित कीजिए, परिणामों की संख्या बताइए। तो सिक्के को उछालते हैं या तो वो हेड आता है या पर वहाँ पर टेल आता है। हेड को हम एच से लिखते हैं और टेल को टी से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये बताना है कि सिक्का जो है 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछालने पर तीनों बार जो हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अलग अलग हैं इनको, और एक बार उछाले जाने पर दूसरी बार को वो प्रभावित नहीं करता है, तो कि पहली बार क्या आया था। तो हम जो है इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे कि वी विल डिनोट बाय एच द रिजल्ट ऑफ कॉइन टर्म्स ऑफ हेड। तो हेड जब आएगा तो उसको हम एच से लिखेंगे, और जब टेल आता है तो उसको हम टी से लिखते हैं, यानी कि टेल के लिए टी को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक बार कॉइन को टॉस करने पर, सिक्के को उछालने पर, कि वो या तो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। तो इसका आपको सीधा सीधा है, क्योंकि 3 बार उछाला गया है तो 3 बार का अलग अलग देखना है कि क्या आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड। तो इसमें जो है पहली बार जब सिक्का जो है उछाला जाता है तो उसमें 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो फर्स्ट टॉस में कुल टॉस पॉसिबिलिटी हुई 2। तो इस तरह से पहली बार सिक्का उछालने पर 2 संभावनाएं हैं हेड या टेल आने की, और इसको यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि या तो एच आएगा या टी आएगा। अब सेकंड बार जब, यानी कि दूसरी बार जब उस कॉइन को उछाला जाता है, तो पहली बार वाली संभावनाएं उस पर काम नहीं करेंगी, और दोबारा से जो है वो सिक्का जो है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सेकंड बार उछालने पर जो है उसके पास फिर से वही संभावनाएं हैं जो पहली बार थी, यानी कि अब भी वो 2 तरीके से ही आएगा, या तो हेड या फिर टेल। इसी तरह से जब तीसरी बार इसको उछालते हैं तो पहली 2 बार वाली संभावनाएं इस पे काम नहीं करती हैं, और वो एक इंडिविजुअल ही अलग से इंडिपेंडेंट जो है आएगा कि या तो वो हेड आएगा या टेल। पहले वाले तीनों जो है, मतलब 2 जो है, उन्हीं की तरह अब तीसरी बार भी 2 ही संभावनाएं बनी कि या तो हेड आना है या टेल आना है। तो हमने 3 बार उछाला, तो तीनों बार जो पॉसिबल जो संभावनाएं थी, आउटकम्स थे, वो 2 ही आए, यानी कि पहली बार भी 2, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशंस के हिसाब से जो टोटल आउटकम्स होंगे वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि पहली बार वाला 2, दूसरी बार वाला 2 और तीसरी बार वाला भी 2। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इस तरह से कुल 8 जो है संभावनाएँ आपकी बनती हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।